रिसेंटली माइक्रोमैक्स का नॉट वन मोबाइल लाइमलाइट में आया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ब्लिक बिलियन डे सेल चल रहा था और उस सेल में ये फोन थोड़ा सस्ता मिल रहा था। मतलब कि इसकी ऑफिशियल प्राइस थी वो 11,000 रुपये और इस सेल में वो फोन आपको मिल रहा था 8,550 रुपये में। तो अब सवाल ये था कि काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल अभी सेल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी दिवाली के ऊपर जो सेल आएगा उसमें सेल में फिर से आने वाला है। तो अब इस फोन में जो अच्छी और थोड़ी बहुत बुरी जो मुझे लगी है चीजें वो मैं बता देता हूँ, खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छी स्क्रीन वाले फोन पसंद है, मतलब आपका बजट आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ 10,000 रुपये से बात कर रहा हूँ, कि 10,000 की रेंज में अगर कोई फोन खरीदना है, वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन है इस रेंज में। मतलब जितने भी स्मार्टफोन है उसमें जो फुल एचडी स्क्रीन होती है उसकी कंपेयर में इसकी स्क्रीन काफी कलर वाली है और काफी बेटर एक्सपीरियंस आपको देती है। दूसरा है इसका लुक, इसमें जो लुक है वो आपको पंचुअल डिस्प्ले मिलता है, जनरली इस रेंज में नहीं मिलता है। तो आपको पंचुअल डिस्प्ले और पूरा एक एक्सेलेंट फिनिश के साथ अगर फोन चाहिए गुड लुकिंग, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये फोन सस्ता नहीं लगता है, वो भी आप ध्यान में रखिए। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैमरा। 10,000 की रेंज में इससे अच्छा कैमरा मैंने अभी तक कोई फोन में नहीं देखा है। इसका कैमरा इस रेंज में सबसे बेस्ट है। आप इसका कंपेरिजन 20 से 25 हज़ार के फोन के साथ मत करिएगा, 10,000 की रेंज में करिएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद है इसमें बैटरी, इसमें 5000 mAh की बैटरी है और बैटरी बैकअप अच्छा है, एक्सलेंट नहीं अच्छा है। मतलब कि आपको अगर 5000 है तो 1 या 1.5 दिन आप चला सकते हो। ओवरऑल इसका फिनिश बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, ज़्यादा एक्सलेंट नहीं बोल सकते लेकिन बुरी भी नहीं बोल सकते, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई सस्ता क्वालिटी वाला आपको फीलिंग नहीं होता। अब इसमें मुझे जो अच्छा नहीं लगा है वो है इसका एक सॉफ्टवेयर। इसमें माइक्रोमैक्स ने बताया है कि एंड्रॉयड प्योर एक्सपीरियंस, मतलब कि उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, और जैसे नियर बाय स्टॉक एंड्रॉयड तो एडवर्टाइज वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्टिमाइजेशन शायद थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। इसमें G85 जो कि गेमिंग प्रोसेसर है वो लगा होने के बावजूद भी ये फोन थोड़ा थोड़ा बीच में लेगिंग जैसा आपको फील होता है। तो एक ये मुझे एक का सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इसका स्पीकर लाउड है लेकिन क्रिस्प साउंड नहीं है। मतलब आपको थोड़ा कहीं साउंड दबता हो ऐसा लग रहा है, जैसे अगर पानी भर जाता है तो कैसा आवाज आता है, उस तरीके से थोड़ा आवाज आता है। बाकी इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट फोन बोल सकते हैं। अब किसको खरीदना चाहिए? अगर आपको एक 10,000 की रेंज में अच्छा कैमरा, एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी, अच्छा गुड लुकिंग फोन पसंद है तो आप खरीद सकते हैं। सिर्फ थोड़ा लैगिंग है, अगर वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अगर माइक्रोसॉफ्ट की ओर से मिलता है तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरे वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।